ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे। ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने की मांग और आरक्षण में से 50% की सीमा हटाने की मांग को लेकर ओबीसी महासभा ने 21 मई को प्रदेश बंद का आह्वान किया। बंद के आह्वान को देखते हुए पुलिस भी सतर्क हो गई। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस मुख्य चौक बाजारों पर तैनात रहेगी, वहीं उत्पात मचाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के साथ साथ स्थानीय निकाय चुनाव कराने की अनुमति देने के बावजूद ओबीसी समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन ओबीसी महासभा द्वारा राज्य बंद का आह्वान किए जाने के बाद से इस मुद्दे ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। समुदाय को 27% आरक्षण की मांग उठाने के लिए 21 मई को राज्य बंद का आह्वान किया है। यह विरोध शीर्ष अदालत द्वारा राज्य में कुल 50% आरक्षण की सीमा के साथ राज्य में स्थानीय निकायों में ओबीसी के लिए आरक्षण के साथ साथ राज्य सरकार को चुनाव जारी रखने की अनुमति देने के एक दिन बाद आया है। बंद के आह्वान पर देखते हुए पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया। पुलिस अधिकारी ने साफ कर दिया है कि कानून व्यवस्था खराब करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। जो है बंद का आह्वान पूरे मध्य प्रदेश में करा है, खासकर भोपाल में देखें तो किस तरह का इंतजाम किया जा रहा है। जब भी बंद का कोई कॉल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा तो उसमें समुचित व्यवस्था की जाती है। विशेषकर जो जिस संख्या में जनसमूह उसमें आना है उसको उस पर ध्यान रखा जाता है। जो व्यवस्थाएं लगनी हैं बॉर्डर सीलिंग से लेके अंदरूनी जो प्रतिबंधित क्षेत्र है जहां पर प्रयास रहता है इस भीड़ का जाने का, तो वहां पर व्यवस्था लगाई की जाती है। पूर से भी संपर्क किया जाता है, जानकारी ली जाती है कि कितनी इसमें संख्या होने की संभावना है, उसको देखते हुए इसमें पुलिस बल लगाते हैं। साथ ही अगर कोई ऐसी गतिविधि इसमें योजना रहती है जिससे शांति भंग हो सकती है तो उस प्रकार से प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की जाती है। ओबीसी महासभा ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नाराजगी जताते हुए कहा कि ओबीसी को सिर्फ 14% आरक्षण देना समुदाय के साथ अन्याय होगा। ओबीसी महासभा ने कहा कि एससी के आदेश में कहा गया है कि ओबीसी को सिर्फ 14% आरक्षण मिलेगा, जबकि कोटा राज्य में ओबीसी की आबादी के अनुसार प्रदान किया जाना चाहिए जो कि 48% है। इसलिए हम बंद के अपने आह्वान के साथ आगे बढ़ रहे हैं।